सरकार कच्चे पाम तेल के शिपमेंट पर हाल ही में इंडोनेशिया प्रतिबंध के बाद कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने के लिए खाद्य तेल आयात पर लगाए गए सेस चार्ज में कमी करने का विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार एडिबल ऑयल के आयात पर खर्चे को कम करने की प्लानिंग में है। मिनिस्ट्री खाद्य तेल के आयात पर 5% एग्री सेस को घटाने की तैयारी में है। दरअसल भारत पाम ऑयल की जरूरतों के लिए बहुत हद तक इंडोनेशिया पर निर्भर है। वहीं इंडोनेशिया ने पाम ऑयल और क्रूड पाम ऑयल पर रोक लगा दी है, जिससे एडिबल ऑयल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि सरकार दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल एक्सपोर्टर देश इंडोनेशिया से डिप्लोमेटिक बातचीत का रास्ता भी अपना रहा है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक ताड़ के तेल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक इंडोनेशिया के साथ जुड़ने की भी संभावना है और वैश्विक स्तर पर निर्यात प्रतिबंध पर द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। वहीं खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए कृषि उपकर में कटौती की जा सकती है। हालांकि इंडोनेशिया द्वारा प्रतिबंध के कुछ ही हफ्तों में उलट होने की संभावना है। वहीं वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि शेष में कमी से खाद्य तेल की कीमतों को कम करने में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि कीमतें बहुत तेजी से ही बढ़ी है। सूत्रों ने कहा, खाद्य तेल आयात पर अब केवल 5% का बहुत छोटा शेष है। हमें संदेह है कि इसे खत्म करने से कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। साथ ही इसके अलावा सरकार एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान भी शुरू कर सकती है, जिसमें लोगों को कम ताड़ के तेल का सेवन करने और वैकल्पिक तेलों पर स्विच करने के लिए कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।